रोड रंगीला पग न जिन्नत मॉल घटना रोज मदार मजूरी काम ऊपर आता श्रमजीवी ने तेनु वेतन मांगवा जता मार मरायो रिंकू नामना ठेकेदारे मार मारता श्रमजीवी पहुंचो उमरा पुलिस मथक उमरा पुलिस मथक में गए मजूर ने फरियाद कोई पर न ली थी पुलिस कर्मी अलग अलग ऑफिसों में जवानु कहता युवक पहुंचो पुलिस कमिश्नर कचेरी फरज परना पुलिस कर्मी उड़ाव जवाब आपी हाथ ऊंचा करी देता मजूर मुकायो मूंझवण में लॉकडाउन बाद कॉन्ट्रैक्ट ऊपर मजूरी कामे लागे युवक ने मार मारी साइट ऊपर थी तगेड़ी मुकायो न्याय नी राहे गयेला युवक ने पुलिस तंत्र थी हताशा आखरे पहुंचो मीडिया ना शरणे मार मारिया नी घटना बांधकाम साइट ऊपर लागेल सीसीटीवी कैमरा में थी कैद लोक रक्षक ना आवा रवैयाओ सामे उठ्या अनेक सवालो न्याय माटे जवू तो जवू क्या तेवी युवक नी स्थिति आखरे कोण सांभळशे श्रमजीवी नी फरियादो शु हवे पोलीस मार मारना ठेकेदार सामे पगला भरशे खरी करण भाई क्या काम करते हो और आपके साथ क्या हुआ मैं संजय का काम करता हूँ मैं साइट पे गया पैसा मांगने के लिए मैं बोला कि इतना पैसा कम क्यों दिया इसके लिए मैं उसको बोला तो उसने मेरे को मारा उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गया सबसे पहले उमरा पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ पे गया तो देखता हूँ भाई मेरे ऊपर में एक मेरे को मारा है तो मेरे से कुछ ही काम पे लगा था क्या तो उसके बाद मैं दो लड़का मिला वहाँ पे तो बोला कि तू कमिश्नर के ऑफिस में जा वहाँ गया तो वहाँ कमिश्नर एक अर्जी ही मतलब फ़ोन करके बोला तो मैं वहाँ वापस फिर वो उमरा स्टेशन पुलिस में गया वहाँ पर गया मैं फिर भी देखा तो वहाँ बोलता है क्या एक काम कर अर्जी डाल दे अर्जी चला जा अगर मेरा तत्काल अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं किस लिए किसके ऊपर भरोसा करके बताऊं करण भाई आप कहाँ काम करते हो और ये मारने वाले इंसान कौन है मैं रंगीला पार्क में काम करता हूँ क्या नाम है मॉल का जिन्नत मॉल है अच्छा और किसने मारा आपको मेरे ठेकेदार ने नाम उनका नाम क्या है मंटू और रिंकू आपका क्या कितना पैसा लेना उनसे निकलता है मेरे हिसाब से कुछ यही 20-30 हज़ार कब से आप लगे हो जिन्नत मॉल में लॉकडाउन के पास और आपका क्या पगार नक्की हुआ था क्या आपका वेतन नक्की हुआ था मेरे को बोला गया था और अभी मेरे को दे रहा है 220 रुपए के हिसाब से आपका कितना पैसा लेना निकलता है बोला ना हिसाब नहीं किया मेरा कार्ड तो फट गया अच्छा फिर भी ये कैसा कितना निकलता होगा अंदाजा लगाऊंगा तो मेरा 20,000 से ऊपर होगा बराबर आप क्या चाहते हो अभी क्या हो क्या हो क्या हो कानून के पास में गए तो कोई मेरा सबूत ही नहीं दे रहा है तो क्या करूंगा जो आपके साथ जो हादसा हुआ है क्या रिकॉर्ड हुआ है कि सीसीटीवी आजू बाजू कैमरे लगे हैं कैमरा बहुत है वो मेरे में कैमरा है तो आपने ये बात पुलिस को बताई कि नहीं बताई बताया मैंने बोला मेरे पास एविडेंस है तो पुलिस मेरा बात ही नहीं मान रहा है कोई सुनता है बोलता है इधर 3 नंबर में जा 4 नंबर में जा 6 नंबर में जाकर कहाँ कहाँ जाऊँगा पुलिस वाले ने ऐसा बोला उसके बाद आपने क्या किया मैंने कुछ नहीं किया मैं चुपचाप बाहर आया मैं बोला कि कोई बात नहीं कोई सुन रहा है इसकी वजह से मेरे को इतने बोला तू मीडिया के पास जा तो इसकी वजह से मैं मीडिया के पास आया पुलिस कमिश्नर में जो आपने अर्जी किया है उसका हाँ तो उसमें गया तो उसने पुलिस कमिश्नर वहाँ बैठे थे और एक दूसरा आदमी था तो उसने फ़ोन किया तो फिर वापस उमरा पुलिस स्टेशन भेजा तो उसके पास में गया हाँ तो आदमी अर्जी गुजराती में उसने बोला कि इसका अर्जी लिखा हुआ है तो एक काम कर बाहर जा बाद में तेरे को हम लोग देखेंगे अब बताइए कहाँ जाऊँगा तुम अब आप क्या चाहते हो मैं चाहता हूँ मेरा पगार बस मुझे मारा है उसका मेरे को दिक्कत नहीं मेरा पैसा पहुँच रहा है